आइए मुकाबला की शुरुआत करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, राजीव जेटली जी बस हमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। अभिषेक झा जी जेडीयू से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं और रिजू दत्ता जी जुड़ चुके हैं तृणमूल कांग्रेस से। रिजू दत्ता जी आपका भी बहुत स्वागत है, अगर बीजेपी के प्रवक्ता थ्रू हो जाए तो मुझे बताया जाए। मैं तब तक डॉक्टर अजय आपसे, अच्छा आप राजीव जी अब थ्रू हो चुके हैं तो मैं शुरुआत राजीव जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए तमाम विपक्षी दल इसमें सबसे आगे कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी हैं, उनका कहना है कि मोदी सरकार तब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाती जब तक विपक्ष बार 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 उसे उसके कर्तव्य की याद न दिलाए। और यह भी विपक्ष के कहने पर ही हुआ कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को 60 साल से ऊपर, कोमॉर्बिडिटी वालों को प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज और बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत की गई। सौरभ जी मैं आपको याद होना चाहिए, हम तो आपके चैनल पर डिबेट करते रहते थे, विपक्ष के साथ तो हमने लड़ाई इस बात को लड़ी है, के लिए लड़ी है कि ये वैक्सीन जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। इस वैक्सीन के ऊपर विपक्ष ने उंगली उठाई थी, राहुल गांधी जी थे जिन्होंने ट्वीट किया था, कहा था कि इस वैक्सीन के कितने लाभ होंगे, किसके नुकसान, कितने नुकसान होंगे, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। हम तो इनसे इस बात के लिए जूझते हुए आए हैं, अगर इनकी बात सुनी होती हमने तो आज तक तो हम इस बात की लड़ाई आपके चैनल पर बैठ के लड़ रहे होते कि वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। इस देश में लगभग हमारी जो 75% आबादी है वो वैक्सीनेट हो चुकी है, बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाने की बात आ रही है, बच्चों को वैक्सीन लगाने की बात आ रही है। हम पूरी दुनिया ने हमारी तारीफ करी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी तारीफ करी है, पूरी दुनिया के कहा जिस तरीके की लड़ाई प्रधानमंत्री जी ने लड़ी है वैक्सीन को लेकर के, कोविड को लेकर के, वो काबिल तारीफ है। आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि हम अगर आवाज ना उठाते तो ये काम ना किया जाता, आपकी आवाज तो आप याद करिए, आपने आवाज किस बात की उठाई थी? आपने तो लोगों को गुमराह किया था, आपके अलायंस पार्टनर तो लोगों को ये बोल रहा था कि भाई ये वैक्सीन जो है नपुंसक कर देती है। हमने कितनी मेहनत करके, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के वैज्ञानिकों के साथ रात रात तक बैठ के करके बोला कि भाई आपको वैक्सीन के ऊपर वर्किंग करनी है, इसके ऊपर कार्य करना है। हमने अपनी कोवैक्सीन बनाई, कोविशील्ड वहां पर लेके आए, हमारे ने जो योगदान दिया उसकी तारीफ तो आपने एक बार भी नहीं करी। आप तो हमारे सोचते हैं कि कोरोना आया हमारी तो राजनीति फिर से जिंदा हो गई, ओमिक्रॉन आया हमारी राजनीति फिर से जिंदा हो गई। आपके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे ढूंढ रहे होते हैं आप। अच्छा ठीक है, अगर ठीक है जेटली जी, तरह मैं उत्तर ले लूं इस बात का। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अजय ये कहा था कि देश में कोरोना पैंडेमिक शुरू होने से पहले से भी, जब से ये था कि बाकी दुनिया में आ गया भारत में तब तक नहीं आया था, हमने अपने वैज्ञानिक सोच से, वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की सलाह से ही हर कदम उठाया है। बीजेपी के नेता अब ये कह रहे हैं कि जो काम होने ही वाला होता और पता है कि भाई पूरी दुनिया में साइंटिफिक कम्युनिटी की राय इस पर एक है, चाहे बूस्टर डोज लगाना हो, वैक्सीन आई तो वैक्सीन कैसे लगानी है, किन किन स्टेजेस में लगानी है, राहुल गांधी जी पहले 10 दिन पहले उसका प्रचार शुरू कर देते हैं और जब सरकार काम करती है वैज्ञानिकों की सलाह से तो उसका श्रेय लेते हैं। देखिए दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, हमेशा टीवी में जाकर के जो है आधे बातें आपके सामने पेश करते हैं। पहली बात क्या है कि वो वावाई लूटने के चक्कर में, तो फिर अगर वो वावाई लूटना चाहते हैं तो एक चीज बताइएगा कि जो इतने लाखों में लोग की जो मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी से, उसकी भी तो जिम्मेदारी लीजिए। और अगर इतनी सफल सरकार थी तो आप बताइएगा कि जो दूसरी वेव में क्या स्थिति थी। सौरभ जी आप ही जानते हैं, जेटली जी भी बता देंगे कि गंगा में पूरी तरह से जो है लाश भर गए थे, शमशान घाट भर गए थे। और जहां तक योगी जी इतने नाकाबिल अनुपयोगी हैं योगी जी कि क्योंकि वो छिपाना चाहते थे, उन्होंने जो है बैरिकेड बना दिया लखनऊ के शमशान घाट में, तो लोग तो मरे ही नहीं इनके मुताबिक। तो वैक्सीन का श्रेय लेने के लिए जो है बड़े धड़ल्ले से श्रेय ले लेते हैं, और जहां तक मौत की बात है तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी किसकी जिम्मेदारी थी, दवाई की कमी किसकी जिम्मेदारी थी। दूसरी बात है वैक्सीनेशन देर से शुरू है, और तो और बता दीजिएगा सौरभ जी कि अभी तक इनके आंकड़े के में वाहवाही लूट रहे हैं, अभी तक 11 करोड़ लोग को, इस देश के नागरिक को तो वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है। पहले तो उनके जो वैक्सीनेशन होने की आवश्यकता है, इन्होंने कहा कि दिसंबर तक खत्म कर लेंगे। 36 करोड़ लोग को दूसरा डोज अभी तक नहीं पड़े, तो आप इन्होंने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, बेशर्मी की हद है कि हम दिसंबर के आखिरी तक जो है 31 दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीनेशन करेंगे। अभी तक 60 करोड़ डोजेस की जो है अभी तक जो इनको देने की आवश्यकता है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब पहुंची है मोदी जी ने जो नया ऐलान किए थे रात को टीवी में आने के, क्योंकि एक तरफ बात चलती है मन की बात के आधार पर उन्होंने ऐलान कर दिया।
अब वहां पर जो है अगर उसके मुताबिक 60 से ऊपर लोग को ऊपर जो 15 से ऊपर लोग का अगर हमारे आंकड़े के उतारे वो 27 करोड़ और लोग हैं, तो उसके आंकड़े के अनुसार अगर आप देखेंगे तो देश को जो करीब करीब 100 करोड़ जो डोजेस नए डोजेस की आवश्यकता है, अब ये सुनते ही नहीं है। अब पूरे देश का क्षमता सीरम इंस्टीट्यूट कोवैक्सीन सबकी क्षमता सिर्फ 16 करोड़ महीने का है, तो आप गणित कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाले तो सिर्फ भाषणबाजी में तो गणित तो वैसे ही कमजोर है। डॉक्टर राजा, आप तो देश में ऐसे मौके कई बार आए हैं जब 1 करोड़ से ज्यादा भी डोजेस लगी हैं, ऐसे मौके तो आपने भी देखे, जन्मदिन में ही होता है। सिर्फ जन्मदिन पर लगते हैं, मोदी जी का जन्मदिन में यो तो बिहार में तो, अरे आप बताइएगा कि एक सेकंड सौरभ जी, ये तो जो है सबको बिहार में तो इनकी सरकार ने सबको लगा दिया है, मोदी जी को भी लग गई बिहार में, अमित शाह जी को सबको लगा दिए ना, तो इन तो डॉक्टर राजा देखिए एक बात है, डॉक्टर राजा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने ये बात सही कही कि इस सरकार ने ये दावा किया था कि दिसंबर के अंत तक हमारे पास 200 करोड़ डोजेज होंगी, हम 200 करोड़ डोजेज लोगों को लगा चुके होंगे, ये दावा था, मैं स्वीकार करता हूं आपको, ये बात पब्लिकली कई प्लेटफॉर्म्स पर कही गई थी। आज की तारीख में जब महीना खत्म होने को है, साल खत्म होने को है, 4 दिन बाकी है, तो हम 140 करोड़ के कुछ ऊपर तक हम टीके लगा पाए, कुछ शॉर्टफॉल है, लेकिन भारत देश में 140 करोड़ टीका लगाना क्या कोई छोटी बात मानते हैं आप? एक मिनट, तो छोटी बात मानते हैं कि इन्हीं के इकोनॉमिक एडवाइजर जो है अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि 40 लोग की मौत हुई, छोटी बात है? मुआवजा देना 50,000 इन्होंने जो लफा दफा करके जो है, ये छोटी बात है कि जितने परिवार में 40 लाख, तो इनके एडवाइजर बोल रहे हैं, दुनिया के सभी स्टडीज बोल रहे हैं कि 30 और 40 लाख के बीच में मौतें हुई है, ये लग सरकार कह रही है 4 लाख के आसपास मौत हुई है, वो अपने जगह, ये छोटी बात है क्या सर? ये दिक्कत क्या है कि अगर हम हर चीज में, सरकार का काम ही ये है, ये सरकार कहती है कि हम मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, तो मुफ्त में पेट्रोल से टैक्स ले रहे हैं क्या? अच्छा चलिए ठीक, अच्छा ठीक, आपकी दो बातें, मैं आपकी दो बातों का जवाब राजीव जी से ले लूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। इन्होंने कहा आप हर चीज का क्रेडिट लेते हैं, वैक्सीन स्ट्रेटजी का क्रेडिट लिया आपने, 140 करोड़ वैक्सीन देने का क्रेडिट लिया, तो जो दूसरी वेव में नुकसान हुआ, जो मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी जो रही, उसका भी फिर आप लोग ठीक कर अपने सर पर रखिए। सौरभ जी, इसमें दो कांग्रेस हो चुकी है, एक राहुल गांधी की कांग्रेस और एक राज्य सरकार है। राज्य सरकारें जो बात कहती है, राहुल गांधी जी उनका उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि मेरी सरकार ही झूठ बोल रही है, मतलब कि पंजाब भी झूठ बोल रहा था, राजस्थान भी झूठ बोल रहा था, जो बात हम कह रहे थे वही राजस्थान सरकार ने करी जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जो हम बात कह रहे थे वही पंजाब ने करी जहां कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कहा कि जो डेटा जिनकी डेथ हुई है, वो जो डेटा है वो सभी कोविड नहीं, विभिन्न बीमारियों की वजहों से उनकी डेथ हुई है। बताइए, अपने मुख्यमंत्री को झूठा ठहरा रहे अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब आज आप सोचते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर उंगली उठाऊंगा तो इससे मैं जिंदा हो जाऊंगा? आपने पहला तो उनके ऊपर उंगली उठाई। दूसरी बात, दुनिया के अंदर आप देखिए, अमेरिका जैसी जगह जहां पर माँ बाप माता पिता अपने बच्चों का मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि महंगाई हो चुकी है, कोविड की वजह से रोजगार नहीं है और हमें इन चुनौतियों से लड़ना है, ये मैं डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूं, उस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने जहां की डेमोग्राफी में इतनी चुनौतियां हैं, जहां पर कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी है जो लोगों को वैक्सीन के ऊपर गुमराह करती है, इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करके हमने कैसे उस कोविड के साथ लड़ाई करी? अरे कोविड से लड़ना तो आसान काम है, कांग्रेसियों से लड़ना मुश्किल काम था, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करते हैं। और हमने कहा था भाई इनकी बात मत सुनिए, आज देखिए अपनी पुरानी कोई भी डिबेट निकाल के ये देखिए, यही बैठे होंगे अजय कुमार जी, ये बोल रहे होंगे ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसके ये साइड इफेक्ट है, इन्हीं की डिबेट निकाल के आप देख लीजिए, तो आपको थोड़ी थोड़ी शर्म कभी कभी आ जानी चाहिए। अच्छा ठीक, अजय कहते हैं ऐसी डिबेट में पहले कर चुका हूं, मैंने वैक्सीन पर उंगली उठाई थी, आज मैं डिबेट पर नहीं जाऊंगा, मैं आज किसी नए आदमी को बोलिएगा। अच्छा ठीक, सौरभ जी, अरे एक मिनट नहीं, अब अजय जी एक, मैं बाकी तो मेहमानों को चर्चा में लिया, फिर आप दोनों इसको अपने बीच में सेटल कीजिएगा दोनों आरोपों को, पर पहले सौरभ जी एक सेकंड एक ही चीज मैं इनको कहना चाहूंगा, मेरा एक वीडियो दिखा दे, बकवास करने की सीमा, झूठ बोलने के लिए ठेका ले लिया क्या? एक सेकंड टीवी डिबेट में हमने कहा कि वैक्सीनेशन अनिवार्य है, सिस्टम पहले, इनका आरोप बीजेपी का शुरुआत से एक ही रहा है, कोवैक्सीन को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की, ये आरोप ये लगातार लगाते हैं। आप लोगों ने डेटा, जब तक डेटा नहीं आया था आप लोगों ने कहा था कि इस वैक्सीन की एफिकेसी प्रूवन नहीं है, सेफ्टी प्रूवन नहीं है, ये भी फैक्ट है। सौरभ जी आपको करेक्ट कर लूं, यदि आपकी अनुमति है तो आपको करेक्ट कर लूं, प्लीज। हमने कहा था कि कोविशील्ड का डेटा है, जब तक डेटा नहीं होगा प्रोसेस इंडिया का जो है, जो कोवैक्सीन या किसी का भी प्रोसेस के मुताबिक चलिए,
मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई भी दवाई अगर मैंने यही कहा, मैंने यही कहा कि पूरा डेटा नहीं आया था तब, तब तक आप ये बात कहते थे, लेकिन उससे पहले फिर अभी अच्छा। और एक मिनट सौरभ जी और अगर हमारी बात इतनी सुन रहे तो वैक्सीन क्यों नहीं करा रहे, किसान को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, बाकी दोनों मेहमानों की एक एक राय ले लो, फिर मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ अभिषेक झा जी और ऋजु दत्ता जी हैं। ऋजु दत्ता जी, मुझे पहले एक बात ये बताइए कि एक चीज का क्रेडिट कितने लोग ले सकते हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने वैज्ञानिकों के कहने पर किया, एक्सपर्ट्स के कहने पर ऐलान किया है। राहुल गांधी कहते हैं मेरे कहने पर किया है। महुआ मोइत्रा कहती है मेरे कहने पर किया। ओवैसी कहती है मेरे कहने पर। केजरीवाल कहते हैं मेरे कहने पर। शिवसेना कहती है हमारे कहने पर। सौरभ जी देखिए, मैं आपसे एक साफ चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी विपक्ष के दल को क्रेडिट लेने का जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं क्रेडिट ही मतलब इंसान का भला हो रहा है, पर अगर प्रधानमंत्री जी ये क्रेडिट लेंगे कि हमने वैक्सीन बनाया, हमने वैक्सीन लाया, वैक्सीन के सर्टिफिकेट में हमारा चेहरा रहेगा और बूस्टर डोज भी हम ही ला रहे हैं, तो वैक्सीन से जिन लोगों की मौतें हुई है वो डेथ सर्टिफिकेट पे भी फिर प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, और मैं बंगाल की बात आपको कर दूं, बंगाल में कोविन ऐप, मेरा बात नहीं है, कोविन ऐप अगर आप देखेंगे तो बंगाल में 10.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए, जिसमें 6.5 करोड़ फर्स्ट डोज, 3.5 करोड़ सेकंड डोज। अब मेरे को बताइए कि जो वादा बीजेपी सरकार करती है क्या वो सारे वादे जुमले हैं? इन्होंने तो कहा था बहुत बड़े बड़े ढोल तमाशे करके कि हम लोग 31 दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे। क्या हुआ उस वादे का? उस वादे का कुछ नहीं होना। और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये देश जीतेगा, कोरोना से भी हम जीतेंगे, पर झूठ से बेवकूफ से हम लोग कभी नहीं जीत सकते। जहां पर आप बूस्टर डोज के ऐलान कर रहे हो और अगले दिन ही प्रधानमंत्री जी अपना प्रधानमंत्रित्व छोड़ के बीजेपी के नेता के तौर पे यूपी में चले जाते रैली करने, तो क्या मतलब है? ओमिक्रॉन भी कंफ्यूज हो जा रहा है ना कि कहां जाए किस समय जाए। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा सौरभ जी, बूस्टर डोज आया है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए था और जल्दी आना चाहिए था। और एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा मैं आपको देता हूं, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे 2.5 करोड़ वैक्सीन लगे थे। हमारे माननीय सांसद और जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा में ये सवाल किया था कि आप मेरे को सच झूठ का फैसला दिए, और लोकसभा का रिप्लाई ये था कि उस टाइम जिस उस दिन पे जितने वैक्सीन लगाए गए थे उसमें 12-15% फर्जी रिपोर्ट दिए गए थे। ये अच्छा। मेरा बात नहीं है, लोकसभा का रिपोर्ट है, पूछिए लोकसभा में किसने दी थी जानकारी है? अभिषेक बैनर्जी हमारे जो सांसद है, उन्होंने क्वेश्चन किया था लोकसभा को। नहीं, ये जानकारी कहां से आई कि उस दिन 12-15% फर्जी टीके की रिपोर्ट आई थी? ये आंकड़ा कहां से? पार्लियामेंट का रिप्लाई था, पार्लियामेंट रिप्लाई टू द क्वेश्चन। नहीं, पार्लियामेंट में किसी ने रिप्लाई किया होगा ना दादाजी? पार्लियामेंट में कोई सी मंत्री ने रिप्लाई किया होगा? मंत्री जवाब देते हैं ना पार्लियामेंट में। तो अब आप एक काम करूंगा, आपका मेरे को व्हाट्सएप आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको बोल। नहीं, चूंकि आप जो दावा कर रहे हैं वो बड़ा सेंसेशनल है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जो टीके लगे उसमें 12-15% फर्जी थे, तो मैं आओ। और आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में ही आंकड़ा दिया गया? पार्लियामेंट में किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने आंकड़ा दिया होगा, तो आपने अगर ये कोट किया है तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आप बताएंगे कि आंकड़ा किसने दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने आंकड़ा दिया है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी को यह सवाल पूछा गया था कि उस दिन जो 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ था उसका सच्चाई क्या था, और उसका रिप्लाई यह था कि उसमें 10-15% हम लोग मानते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट इशू किए गए थे। राजीव जेटली, अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा हूं आपके सामने, राजीव जेटली जेटली जी है ना यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता, हाँ, कि जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था तो मजदूरों में भागदौड़ शुरू हो गई। एक एक करके विषय पे आते हैं ऋजु जी, एक एक करके विषय पर आते हैं। अभी टीके की बात चल रही है, उसका जवाब ले लूं मैं, एक मिनट जी। राजीव जी, मैंने आपसे कहा कि अभी तो अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री बने नहीं, अभी तो धीरे धीरे देना है, मैंने सुना है कि ट्रांसफर कर रही है अपनी पोजीशन उनको, अभी से इस तरीके की लाइनें लेकर के आएंगे तो बेइज्जती अपनी करवा करके जाएंगे। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि पार्लियामेंट में जिस बात को रखा गया उसमें यह कहा गया था कि जो हमने डेटा अचीव किया है उस डेटा में 15% का एरर है, ये नहीं कहा था फेक टीके लगे हैं, 15% का एरर है, उसको और करेक्ट किया जाएगा डेटा को। वो डेटा और करेक्ट का मतलब क्या होता है? अभिषेक बनर्जी उनका काम, उनका काम डेटा कलेक्शन का नहीं है, उनका काम मनी कलेक्शन का है। आप मनी कलेक्शन की बात करेंगे तो नेशनल चैनल पे मान लेना बीजेपी।
डेटा के ऊपर सवाल उठाने का है। मैं आपसे सौरभ जी एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए। ये देखिए बड़ा गंभीर विषय है। इन सब लोगों की चलो राजनीति जिंदा होती तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, इनका भी काम है क्योंकि इनको भी पॉलिटिक्स करनी है, हर बार इस बात इशू को उठाना है। हमने दुनिया में एक मिनट बोल लेना कि राजनीतिक जिंदा क्या है। अजय जी, डॉक्टर अजय, एक सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर हिम, एक सवाल इनके लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं अपनी बात पूरी करें। मैं एक मिनट जी, बोलिए अजय जी, एक देश बता दीजिए मुझे जिस देश ने दुनिया के अंदर जिस देश ने हमसे ज्यादा टीके लगाए, वो एक देश का नाम बताइए मुझे। तो ये बात आपकी ठीक है राजीव जी, और बहुत ये बात ठीक है आपकी, इतने टीके किसी देश में नहीं लगे, लेकिन दावा दावा 200 करोड़ टीकों का था, आप इतना तो स्वीकार कीजिए कि आज की तारीख में आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, इतना तो स्वीकार कीजिए। मैं 150 करोड़ टीके लगाने को छोटी बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपकी सरकार का दावा 200 करोड़ का था। देखिए हम तो आज भी ये बात कह रहे हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम जल्दी से इस देश में हम कोविड के ऊपर काबू पाना चाहते हैं। अभी तो कोविड के ओमिक्रॉन के नेचर के ऊपर हमारे साइंटिस्ट जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कल भी इस बात को कहा कि अभी उसके नेचर के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना म्यूटेशन चेंज करे। तो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब को बोलिए थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बनकर बात करेंगे ना, बड़ी अच्छी बात लगेगी। राहुल गांधी का प्रवक्ता बनकर करेंगे तो वो बातें बिल्कुल इधर उधर चले जाएंगी, उसके सिर पर टांग नहीं रहेगा। डॉक्टर जी, आप मोदी और मोदी जी का जो है इतने भक्त मत बनिए, कम से कम अपने विचार भी तो प्रकट कीजिए। मोदी जी, आप डॉक्टर्स भी देखते होंगे, आपको डॉक्टर्स भी देखते होंगे, ये भी सोचते होंगे इंटेलिजेंट आदमी है, पता नहीं क्यों बात कर रहे हैं। मुझे पता नहीं डॉक्टर हो जाए, पढ़ाई वाले डॉक्टर है, दवाई वाले डॉक्टर है, क्लियर नहीं है मुझे भी। मैं तो डॉक्टर साहब कौन से वाले डॉक्टर है? आप ही के सर्टिफिकेट के इंतजार में था। पहली बार सौरभ जी, अगर मुझे बोलने दीजिएगा या यही बोलेंगे? नहीं, आप बोलिएगा पहले, नहीं ये क्लियर कीजिए, आप दवाई वाले डॉक्टर हैं, पढ़ाई वाले डॉक्टर हैं? अच्छा, तो एक मिनट पहली बात मुझे बोलने दीजिए राजीव जी, 2 सेकंड के लिए राजीव जी, फिर मैं उसके बाद मैं नहीं बोल, जब आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। पहले बताइएगा कि इस दुनिया में ऐसा देश है क्या जिसमें इतने लोग की मौत हुई थी ऑक्सीजन से कमी से? दुनिया में ऐसा देश है कि शमशान घाट को जो आपने दीवार लगा के घेर दिया था? दुनिया में ऐसा देश है कि नदी में इतने लाशें जो है, हजारों में लाशें मिले थे? ये भी तो जिम्मेदारी आपकी है। दूसरी बात है कि आप जो आंकड़े जो आप पेश कर रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड बनाया, वो बनाया, तनिक से भी शर्म नहीं है सरकार को कि आपने मुआवजा का क्या स्थिति है? एक तो सिर्फ 50,000 दे रहे हैं। डॉक्टर अजय, हम एक, मैं आपसे एक चीज, आप बोलेगा मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन हम एक विषय पर पहले बात पूरी कर ले, आप अगले पे जाइए, मुझे आपत्ति नहीं है। मैंने भी कहा कि इन्होंने 200 करोड़ डोज कहा था, लगी है 140 करोड़। आज सवाल यह, क्या इतनी दुनिया में किसी मुल्क में लगी है? कम से कम इस बात को स्वीकार कर लीजिए, फिर आप अगली बात कहिए। ठीक है। पहली बात क्या है, इस देश ने 27 करोड़ लोग को एक दिन में पोलियो का टीका भी इस देश ने लगाया है। मनमोहन सिंह सरकार ने जो है ढिंडोरा पीटे थे क्या? पूरा दुनिया में जाकर बोले थे वर्ल्ड रिकॉर्ड जाकर के बेशर्मी चाहिए, तो आपका काम है 27 करोड़ जो एक दिन में आपको वैक्सीनेशन हुआ था, पोलियो फ्री हुआ था, इससे पहले ये देश पैदा ही हुआ था क्या 2014 में? है कि जो आप बताइएगा कि इस देश में 27 करोड़ बच्चे को एक दिन में आपने टीकाकरण दिया था पोलियो का, उसके बारे में जेटली जी बताइए ना, एक दिन में? मनमोहन सिंह जी जो चढ़ चढ़ करके हर भाषण में बोलते थे क्या, मोदी जी जैसे? सौरभ जी, जब आप महिमा मंडित करते हैं ऐसे ऐसे काम को, ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है, और सुविधा है सरकार, और ये 70 साल में जो है ये ढांचे बने, ये ढांचा जो 4-7 साल में बने थे मोदी जी ने कराया। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये जो टीकाकरण का व्यवस्था है, ये इन्होंने किया, और वाहवाही लूटेंगे 70 साल में। तो मुझे इसी बात की आप सोच है कि इन लोग जिस तरह से बात करते हैं, ठीक है, मैं भी डॉक्टर हूं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल से धीरे धीरे बनता जा रहा है, देश आगे बढ़ती गई, और टीवी में आकर बोलते कि हमने कुछ किया, रिकॉर्ड कर दिया। स्टाफ नहीं होता था, आप 1 साल 6 महीने 7 साल में बना सकते हो क्या स्वास्थ्य ढांचा? आप इतने वैक्सीनेशन सेंटर बना सकते हो क्या? इतने डॉक्टर पैदा कर सकते हो क्या? डॉक्टर अजय कुमार कह रहे हैं कि जो अगर आपने टीके लगाए, मोदी सरकार ने इतने करोड़ों टीके लगाए, तो ये आपका काम है, इसको प्रचारित करके वाहवाही ना लूटे। अभिषेक झा के पास में जाना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई आपने अगर टीके लगा भी दिए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप में, आपकी इतनी काबिलियत कि आप इतने करोड़ टीके एक दिन में लगा सकते हैं, ये तो 2014 के बाद से ही नहीं निर्मित हुई ना, ये तो पीछे से चली आ रही है। सौरभ,
अभी हम लोग एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं जहां हमें यह मालूम है कि ये खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, संभावित तीसरी लहर है। प्रधानमंत्री जी कल देश को संबोधित करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, बताते हैं कि अब 15 से 18 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीन मिलेगी, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं उनको भी बूस्टर डोज मिलेगी, साथ साथ आंकड़ों को भी पेश करते हैं। तब विपक्ष के सभी नेताओं की तरफ से एक होड़ मच जाती है कि भैया हमने कहा था, हमने कहा था, तब प्रधानमंत्री जी ने यह कदम उठाया है, हम सुझाव दे रहे थे। देखिए, हम मानते हैं कि कोविड का खतरा कोई पक्ष विपक्ष का भेदभाव देख करके नहीं आता है। आप लोगों ने सुझाव दिया, प्रधानमंत्री जी का विजन है, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को माना और आज हमारे पास एक रिजल्ट है। लेकिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते हैं ना कि आपका विपक्ष का वही चेहरा है जो हमेशा कहता था कि किसी खास पार्टी की वैक्सीन है, ये कहता था कि वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल है। शुरुआती दिनों में आपकी वजह से भी डोजेज में कमी आई थी। आज अगर लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, सरकार ने निर्धारित किया था, और लक्ष्य से अगर थोड़ा पीछे भी है तो हर किसी को यह कहना चाहिए कम से कम जागरूकता के माध्यम से हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं। तो कहां आप लोग सहयोग करने की बजाय अभी इसी में लगे हुए हैं कि हम पॉलिटिकल रोटी कैसे सेकें। देखिए, कोविड का इलाज संभव है वैक्सीन से, या कोविड से बचाव संभव है, लेकिन आप लोगों को जो पॉलिटिकल कोविड हो चुका है ना, उसका कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है। पॉलिटिकल कोविड, तो आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीजें चलती रहेंगी, वो चलती रहे, आप खुशफहमी में रहे, गलत फहमी में ना रहे। और जहां तक आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं बिहार, सर एक मिनट, बहुत देर के बाद बोल रहा हूं, 4 लाख मुआवजा मिलना है। हाँ बोलिए, सुन पा रहा हूं मैं सौरभ जी। हाँ, मैं ये कह रहा था ना कि आप यहाँ मुआवजों की बात हो रही थी। बिहार पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में हर कोविड से डेथ होने वाले इंसान के परिजनों को दिया जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है और ये पूरे देश में दिख रहा है। ये जहां तक मुआवजे का सवाल है, केवल एक राज्य की बात है, राज्य तो अपने आधार पर कर सकते हैं वो करें। ये तो केंद्र से मांग है कि इतना मुआवजा प्रति परिवार जहां भी मृत्यु हुई है वहां पर दिया जाए। आपने लेकिन कहा कि विपक्ष की भूमिका शुरुआत से पैंडेमिक के नकारात्मक रही है। आपने कहा कि इस पॉलिटिकल कोविड की कोई वैक्सीन नहीं है। ऋजु दत्ता जवाब देंगे। देखिए, मैं जैसे ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कोविड का कोई ये नहीं है, वैसे चाटुकारिता का भी कोई इलाज नहीं हो सकता। सिर्फ वाहवाही करने के लिए सब चीजों को, सब डेटा को, सब आंकड़ों को दबा देना भी कोई तरह का राजनीति नहीं होता। मैं आपके मंच पे खुले तरीके से पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में लॉकडाउन जारी किया था और पूरे देश के मजदूर इधर उधर भाग दौड़ने लग गए थे, क्या किसी आदमी ऐसा है इस देश में जिसने देखा नहीं किसकी कितने लोगों की मौत होगी? इनसे पूछिए उसका वर्तमान में आ जाइए, वर्तमान में आ जाइए। अरे अपनी सरकारों के द्वारा किए गए आंकड़ों को पेश करिए ना, आरोप प्रत्यारोप के तौर से बाहर निकलिए ना। इनके पास डेटा नहीं, कहां चले गए? इनके पास 2 सालों पहले चले गए। वर्तमान हमारा यहाँ है और संभावित तीसरी लहर हमारे सामने है। इसने जवाब दिया पार्लियामेंट में। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, मेरे पास चिट्ठी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने रिप्लाई किया अभिषेक बैनर्जी, और उसमें लिखा है दैट वी हैव इशूड द आइसोलेटेड केसेस वैक्सीन सर्टिफिकेट्स आर इशूड टू पीपल हु आर डिसीज्ड, मतलब मरे हुए लोगों को भी सर्टिफिकेट दे दिया गया ताकि मोदी जी का बर्थडे पे नंबर बढ़ाया जाए। ये मेरा बात नहीं है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अफेयर्स का बात है जो पार्लियामेंट में जवाब दिया है, और उन्होंने बोला है दिस केसेस आर ड्यू टू इनएडवर्टेंट डेटा एंट्री एरर्स बाय वैक्सीनेटर्स इन अपडेशन ऑफ द वैक्सीनेशन डेटा। समझ रहे हैं सर क्या हो रहा है इस देश में? मेरे ख्याल से इस पर राजीव जी ने भी जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि एरर ये स्वीकार किया गया था कि इसमें कुछ एरर है, कुछ मार्जिनल है। मरे हुए लोगों को आप सर्टिफिकेट देकर मोदी जी का नंबर बढ़ा रहे हो और वो एरर है और मान लिया तो हो गया खत्म। जी ठीक, एक मिनट। हाँ जी जी डॉक्टर जॉय। देखिए, पहली बात ये जब जेटली जी आते टीवी चैनल पर बोलते कि वैक्सीन हेजिटेंसी है, भाई साहब इतने निकम्मे कि अभी तक जिनका एक डोज हुआ दूसरे डोज 36 को लोग बचे हुए हैं, क्या हेजिटेंसी है? जिन्होंने पहला डोज लिया अभी 36 को लोग बचे हुए, हमें ऊपर आरोप लगाते हैं पहले बिना आंकड़े का कुछ भी बोल दीजिए। हमारा कहना है कि पहले तो कोई हेजिटेंसी की बात ही नहीं, आपने तो जो तैयार है वैक्सीन लगाने के लिए वो 36 को अभी भी बचे हुए हैं। आपने कहा था कि साल के एंड तक हो जाएगा। दूसरी बात, हम इसलिए सरकार को चेतावनी देते हैं कि आपको मालूम है कि जनवरी इसी साल में जो ऑर्डर देने लगे थे मोदी जी, इस साल अभी तक अभी भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, 10 करोड़ उन्होंने निर्यात कर दिया, ठीक उसको छोड़ दीजिए। अभी पूरे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन का क्षमता सबको लेकर के महीने का 16 करोड़ है। ये नए मापदंड और पुराने जो बचे हुए लोग के वैक्सीन जोड़ करके 100 करोड़ टीके देने, 100 करोड़ के आसपास टीके देने का, टीकाकरण टीका देने की आवश्यकता है।
100 करोड़, आपके पास इस देश में 16 करोड़ का प्रोडक्शन है, 16 करोड़ महीने का, तो आपको 8-9 महीने लग जाएंगे पूरे इस कार्यक्रम को पूरे करने के लिए। और मोदी जी की जो ये कोविड वैक्सीन, कोविड की बीमारी तो इनको लग गई है, इसलिए इनको, सॉरी, इनको कोविड की बीमारी कभी नहीं हो सकती क्योंकि कोविड वायरस को मालूम है कि मोदी जी की रैली में नहीं जाना है। बाकी आपके लिए और सबके लिए कर्फ्यू है, रात को 200 लोग से ज्यादा शादी में नहीं जाएंगे, लेकिन मोदी जी का 50,000 का जो है 2 जनवरी को कार्यक्रम होगा तो कोविड के वायरस बोलते हैं भैया मोदी जी के वहां नहीं जाना है, बड़े खतरनाक लोग हैं बीजेपी वाले, वहां पर नहीं जाना है। तो आपके लिए कानून, इनके लिए जो अलग जो है नियम कानून। नहीं डॉक्टर अजय, ये आप आज के, आज के चुनावी माहौल के हिसाब से कह रहे हैं, तो आज तो हर पार्टी रैली कर रही है, हर पार्टी, तो ये प्रधानमंत्री है, हम प्रधानमंत्री है क्या भाई साहब? आप इनसे पूछे ना, सरकार ये कानून बनाना। मैंने तो आपसे पूछा अभी, जवाब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी, देख रहा हूँ कि बेटा अरे आपकी पार्टी कहती, आपकी पार्टी कहती है ना कि प्रियंका जी के मैराथन में हजारों बच्चियां गई, हजारों लड़कियां गई। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी के कार्यक्रम में, मोदी जी के कार्यक्रम में भी हजारों की भीड़ आ रही है। देता है क्या जी? अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री कौन है, योगी है कि प्रियंका जी है? नियम कौन बनाते हैं? सरकार के नियम इतना तो जो है, इतना तो, अरे भाई, अरे सर, नियम तो रखने की आवश्यकता। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, जब बंगाल में चुनाव था, एक सेकंड डॉक्टर, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। जब बंगाल में चुनाव था, बंगाल में चुनाव था, जब प्रचार अपने आखिरी चरण में चल रहा था, तब राहुल गांधी जी ने यह कहते हुए हाई मोरल ग्राउंड लिया कि मैं अपनी सभा रद्द कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, नियम बनाया कि प्रचार के अंत में राहुल जी कहते हैं कि मैं अपनी सभाएं खत्म कर रहा हूँ कोविड की वजह से। नियम बनाने वाले प्रधानमंत्री क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? अरे आपने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया ना कि प्रधानमंत्री ने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ बंगाल में आपकी पार्टी ने हाई मोरल ग्राउंड लिया था कि नहीं लिया था? फिर आप हमसे सवाल कर रहे हो। अरे क्यों नहीं करूं मैं? अगर आपको, अगर ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत महसूस नहीं होती है रैली डालने की, आप कह रहे हैं कि हमें जरूरत महसूस होती है, आप मत करो रैली। आप मोदी जी को तो सवाल नहीं करेंगे। अरे सर, मैं मोदी जी से कितने भी सवाल कर लूं वो आपको सुनाई नहीं देंगे, हमसे जवाब मैं नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि योगी की और मोदी की रैली याद दिलाई जाएगी, और प्रियंका जी की रैली में जब हजारों लोग जाएंगे तो वो नहीं याद दिलाई जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? सौरभ जी, जिस दिन पूछेंगे सुनाई देगा, जब नहीं वो नहीं, वो मुझे मालूम है, नहीं सुनाई देगा कुछ भी कर लो, वो हम कुछ भी कर ले आपको नहीं सुनाई देगा। आप प्रधानमंत्री से तो, जेटली जी से तो पूछिए ना कि योगी क्यों कर रहा है, हमसे भी पूछिए। अरे भाई, अरे डॉक्टर साहब, मैंने क्या कहा? अरे तो मानक सब पे, एक ही मानक सब पे लागू होगा ना, हर किसी पे लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं, ये प्रश्न तो इन्होंने उठाया, तो अभी आप बोले, अभी आप ये टॉपिक आपने खुद उठाया कि मोदी जी की रैली में कोरोना नहीं जाएगा। शुरू कहां से होता है? प्रवक्ताओं ने कई बार डिबेट में बोला कि हमारी रैली में तो भीड़ नहीं आ रही है, पीछे ना जवाब दीजिए, ये सरकार नहीं बनाते हैं। इन्हीं के प्रवक्ता ने बोला उसके बाद आपकी रैली में ज्यादा भीड़ आ जाती है तो वहां कोविड का ज्यादा खतरा है, हमारी रैली में लोग नहीं आ रहे हैं तो हमारी रैली में कम खतरा है। देखिए, दो बातें हो गई, पॉलिटिकल बात अलग हो गई कि इनका सुपड़ा साहब लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, इनकी रैली में नहीं आती। दूसरी बात हो गई कोविड को लेकर, वो हो गई टेक्निकल बात, वो मेडिकल ग्राउंड में की जा सकती है, जिसके लिए आप डॉक्टर साहब बने तो मैं बात करता हूं आपसे। तो मुद्दा यहां पर केवल ये है कि जो भी इशू और हिदायतें स्टेट गवर्नमेंट की होंगी या केंद्र सरकार की होंगी या वो कोई निर्धारित किए जाएंगे चुनाव आयोग द्वारा, उसकी पालना हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रैली में लोग नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे पे ठीकरा फोड़ दें क्योंकि आपकी रैली ज्यादा भीड़ भड़ाके वाली हो रही है तो उसकी वजह से कोविड फैल रहा है। नहीं, लेकिन कहते हैं कि जो भी जी, आपकी देखिए, आपकी सरकार के ऊपर ये आरोप लगातार लगा कि कम की सेकेंड वेव से पहले, सेकेंड वेव से पहले जो चुनावी सभाएं हो रही थी वो स्थगित नहीं की गई। अगर उस वक्त कुछ लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां लगती तो दूसरी लहर में नुकसान नहीं होता, और अब हम फिर वैसे ही, एक आशंका है कि तीसरी लहर आएगी, इतने राज्यों में चुनाव होने वाला है। जेटली जी, बिल्कुल, देखिए ओमिक्रॉन के ऊपर साइंटिस्ट वर्किंग कर रहे हैं, आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट आई है, आईआईटी हैदराबाद की रिपोर्ट आई है, दोनों ने इस बात को यह भी कहा है कि बहुत माइल्ड सिम्टम है जो पता भी नहीं चल रहा है कैसे जा रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम बूस्टर डोज को साथ में जो बच्चे हैं 15 से 18 साल के उनको, उनकी जो वैक्सीनेशन हम उसको शुरू करने वाले हैं। देखिए, कल जब प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर रहे थे उस वक्त मैं नीचे कमेंट पढ़ रहा था, हर किसी का कमेंट था कि देश को ऐसे ही चलने दीजिए, देश को ऐसे ही चलने दीजिए, देश रुकना नहीं चाहिए। हाँ, हमारी लड़ाई कोविड के साथ जरूर होनी चाहिए,
ये मैं अब सोशल मीडिया पर कोई कमेंट कर रहा है उसके हिसाब से तो आपकी पॉलिसी नहीं बननी चाहिए, मुझे लगता है बनती भी नहीं होगी। बेरोजगारी से वो उसके आधार पर नहीं, वो तो जो वो जो जो आपको जो आपको एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक बताएं उसके हिसाब से। डॉक्टर अजय, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर अजय अभी आपने क्योंकि ये बात उठाई, क्या कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि अब जो ये ओमिक्रॉन का खतरा आ गया है, इस बीच चुनाव चल रहे हैं, तो सभाओं के लिए कुछ नियम बनने चाहिए, सभाएं छोटी होनी चाहिए, रैलियां नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई मांग आप कर रहे हैं क्या? देखिए, सरकार के पास पूरी तरह से इंफॉर्मेशन है, अगर स्प्रेड है तो एकदम जो है नियम जो है उसी तरह से लागू होनी चाहिए, लेकिन एक देश में अलग अलग कानून इनके लिए नहीं होनी चाहिए कि आप एक मिनट नैतिकता की बात हो रही है। ये प्रधानमंत्री और ये भारतीय जनता पार्टी का क्या नैतिकता है बताइए? कि नैतिकता की बात होती है तो इनके लिए जो जब रैली होती है तो ठीक है, अब बाकी को नियम कानून। एक मिनट सर, आपका हस्तक्षेप नहीं किया, आप भी मेरे जेटली जी सुन लीजिए ना, प्लीज सुनने का क्षमता रखिए। मोदी जी जैसे मत बनिए, सुनने का क्षमता रखिए, पहले सुनिए। मेरा इतना कहना है कि नैतिकता क्या होता है? जो देश का प्रधानमंत्री होता है, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, वो दिशा बताते हैं। पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी लोग ने दिशा बताया। अपने जो है जो पर्सनल काम था या ये सरकारी काम में वो दिशा दिखाते थे देश को। अब हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री जी अपने रैली और योगी जी के लिए अपने रैली के लिए अलग कानून, ठीक है, बाकी लोग के लिए अलग कानून। दूसरी बात क्या है कि हम बार बार सवाल करने से तो विपक्ष का काम सवाल करना। तीसरी बात है, अगर देश इतनी बढ़िया से चल रहा है तो टमाटर और सरसों तेल प्लेट से गैप कैसे हो गया? सरसों तेल को तो सिर्फ कान में डालने लायक छोड़ दिया, प्लेट से तो हटा ही दिया, और बोलते कि पब्लिक बोल रही देश ऐसे चलो। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आपको परेशानी नहीं दिखाई देता है? हम तो उत्तराखंड घूम के आए, अभी यूपी में है, देश बहुत बढ़िया से जवाब देंगे आपको। जेटली जी, आप गलत फहमी में मत रहिए। आप मंदिर में जो जमीन का घोटाला जो कर रहे हो, राम मंदिर का, सर एक करके बहुत सारे विषय उठाएंगे, विषय कोविड है। एक बात जेटली जी, ये है साहब, और उसमें कोई उसमें राम मंदिर का जमीन घोटाला, भारतीय इस बात में कोई शंका नहीं है कि आपकी सरकार कानून को सिलेक्टिवली इस्तेमाल करती है, कोरोना के डर को सिलेक्टिवली इस्तेमाल करती है। योगी जी स्टेडियम में हजारों लोगों को बुला करके लैपटॉप बांटेंगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रियंका गांधी अगर एक मैराथन निकलना चाहती हैं झांसी में तो प्रशासन कहता है नहीं, कोरोना है, आप लोग जमा नहीं हो सकते। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि प्रोटोकॉल जो हमारे डिसाइडेड है उसकी पालना करनी चाहिए, और प्रियंका गांधी भी बेशुमार आपने देखा कि हर तरीके की हरकत करते हैं। कोविड के वक्त पर भी वो बसें बुसे लेकर के उन्होंने जाम लगाना शुरू कर दिया था, उन्होंने भी अपनी राजनीतिक सर्वाइवल करनी थी। हमारी मुसीबत ये नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी की लड़ाई है ना आपस में, ये उसका खामियाजा देश को उठाना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी भी कुछ बेतुके बातें करते हैं, उधर प्रियंका गांधी निकल पड़ती है। इन दोनों के साथ जब ये घर से सुबह सुबह निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके, तो इनकी चुनौती होती है कि आज तुम ज्यादा कलेश मचा सकते हो या ज्यादा कलेश मैं मचा सकती हूं, और दोनों की कंपटीशन के चक्कर में देश की जनता पिस जाती है। हम ये कह रहे हैं कि देश की जनता जो देश के प्रधानमंत्री पे आस्था रखती है और ईमानदारी से जो देश का काम कर रहे हैं, अगर आप लोग हट जाए ना थोड़ी देर के लिए, वैसे आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हमें होता नहीं है, न देश की जनता को होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अगर आपने इस तरीके से गुमराह करने वाली नीति अपना ली तो उसकी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हो जाती है। अब या तो आप जेटली जी, आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, या तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो है वो इतने ताकतवर है कि आपके आपके कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर इतने ताकतवर नहीं है तो फिर आप इतनी चिंता क्यों करते हैं उनकी? सौरभ जी, आप घर से निकल पड़े भीड़ वाली जगह पर मोटरसाइकिल लेके और इधर से उधर टूटते तो बम्पर तोड़ेंगे ना, किसी के कार का बम्पर तोड़ेंगे ना जेटली जी, किसी की कार डर गए डालेंगे ना। तो ये लोग ऐसे निकलते हैं घर से बाहर, ये इस तरीके से निकलते हैं, इनके साथ कोई नहीं है। अगर ये दोनों मोटरसाइकिल 35,000 करोड़ वैक्सीन देने में जो ढिंडोरा पीट रहे हैं उद्योगपति का, 9,00,000 करोड़ तो इन्होंने माफ कर दिया। अच्छा, 35,000 करोड़ देने, अच्छा अभिषेक झा जी, अच्छा अभिषेक समय कम रह गया, अभिषेक झा जी मुझे बताइए कि इस विपक्ष का कहना है कि कोरोना जब से देश में आया किस बात का क्रेडिट इस सरकार को दिया जाए? लॉकडाउन लगाने के लिए कैसे दे दें, वैक्सीन में की शॉर्टेज के लिए कैसे दे दें, देरी से वैक्सीन के लिए कैसे दे दें, ऑक्सीजन की कमी के लिए कैसे दे दें? देखिए, एक सकारात्मक विपक्ष का दायित्व होता है कि अगर सरकार से कहीं चूक होती है, कहीं कमी है, तो आप उसको उठा सकते हैं। सरकार निश्चित रूप से
उन एडवाइस को कंसिडर करेगी, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन सौरभ, ये समझने की जरूरत है कि कोविड जैसी महामारी के विषय में देश के किसी कोने को नहीं मालूम था, पूरे विश्व में किसी देश को उसकी जानकारी नहीं थी कि किस तरह से ये पूरा सिनेरियो हमारे सामने आएगा, एक लहर, दो लहर, अभी तो अन्य देशों में पांचवी छठी लहर भी आ रही है। तो ये तो अप्रत्याशित चीज थी ना, सरकार ने उस वक्त जो संसाधन हमारे पास थे उसके हिसाब से फैसले लिए, देश के प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने नेतृत्व किया, और जो फैसले सही लग रहे थे उस फैसलों से हम आगे बढ़े। अधिकांश जो फैसले थे वो सही हुए, कहीं कहीं चूक हुई, दिक्कत हुई, उसको भी रेक्टिफाई किया गया जी। तो भैया, अगर इस तरह का सिचुएशन हमारे सामने चला आएगा, हम अगर बुरी तरीके से फंस जाते हैं और तब अगर हम कोई स्टेप लेते हैं तो अच्छा है, तब तो आप एडवाइस के रूप में उसको देते हैं कि भाई हमने एडवाइस दिया। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल का ऐलान किया, उसमें कम से कम एक अच्छी बात है कि भले ही कोई भी क्रेडिट लेने की कोशिश करे, लेकिन सबने इस फैसले का स्वागत किया है। फैसला सही दिशा में है, इसका लाभ सबको होगा, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद करूंगा, समय इतना ही था। राजीव जेटली जी, डॉक्टर अजय कुमार, अभिषेक झा जी और ऋजु दत्ता जी, आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।